हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी अगेन। एंड आप सभी को हम दोनों की तरफ से हैप्पी बंगाली न्यू ईयर। सो आप सभी को मेरी तरफ से शुभ नववर्ष और प्रीति और शुभेच्छा। सो ज्यादा करके मिठाई खाइए, रसगुल्ले खाइए, ठीक है। और आज आसाम में बिहू उत्सव भी है और बहुत सारा फेस्टिवल भी है। एक आज का दिन बहुत शुभ होता है, तो आज का दिन में सब मीठा खाइए ज्यादा करके और गर्मी से बच के रहिए। शुभ नववर्ष। शुभ नववर्ष। तो आज का ये व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 10:45 बज गए हैं। मैं आज थोड़ा सा लेट से उठी हूँ क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा काम वाम नहीं है। दीपंकर का ऑफिस छुट्टी है, घर पे सभी है, तो थोड़ा लेट से ही उठी हूँ। तो अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ एंड मैंने अपना नया ड्रेस पहन लिया। घर में पहनने वाली जो नाइटी, मतलब पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था ना, जो मेरी मामी सास ने दी थी आलू के घर पे, थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करने दिया था, वो आ गई है, तो वही मैंने पहनी है। एंड अभी मैं सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करने जाऊँगी एंड देन आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। भगवान जी का दर्शन तो हो गया, अभी मैं सबसे पहले घर में जो बड़े हैं, मतलब मेरी सासू माँ और दीपंकर, उन दोनों को थोड़ा सा प्रणाम कर लेती हूँ। तो चलिए जाके देखते हैं मेरी सासू माँ क्या कर रही है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। मोबाइल कम घाटो, स्वामी सेवा करो। तो आज ब्रेकफास्ट में बनी है गर्मा गर्म पराठे और आलू की सब्जी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। जितनी गर्मी आई है अभी, ऐसा लगता है कहीं दूर भाग जाओ। दार्जिलिंग जब गई थी कितना ज़्यादा ठंड था, मैं सोच रही थी तब ना जाके, अब जाती तो अच्छा होता। दीपंकर जूस पीने वाले हैं, मैं दे के आती हूँ। ये रियल की फ्रूट जूस ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद है मुझे बताना। मुझे तो ये एप्पल, गुआवा, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। कितना अच्छा लग रहा है ना, चलो दे के आती हूँ। रूम कितना ठंडा है। तो गाइज ये जो बेडशीट है ना, वो 4 साल पुरानी है, मतलब मेरी शादी में मुझे गिफ्ट मिली थी। और मुझे इतना सारा बेड कवर, बेडशीट्स मिले थे ना, इन 4 सालों में मुझे खुद से एक भी ख़रीदना नहीं पड़ा। तो क्या हुआ कि मेरी जो ये बेडशीट्स वगैरह है वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, मतलब 4 सालों से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे फेंकने का मन नहीं करता क्योंकि ये प्योर कॉटन का है और इसमें सोने में भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं फेंकती नहीं थी। तो 2 दिन पहले ही मैं चेंज करने वाली थी, लेकिन फिर सोचा कुछ दिन बाद तो न्यू ईयर आ ही रही है, नया साल आ रहा है, तो तब भी मैं चेंज कर लूँगी। क्या हुआ कि मेरे पापा के घर पे, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ मेरे पापा के घर में, मेरे अंकल आंटी के घर पे, वो लोग ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा कर्टन्स वगैरह जो है, घर के पर्दे वगैरह जो है, बेडशीट्स, बेड कवर जो भी है, वो सब नए साल पे नए नए, मतलब ख़रीद के लाते थे, नए नए यूज़ करते थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा ठीक है, सामने नया साल आ रहा है, तब भी मैं ये वाले बेडशीट्स भी निकालूंगी और मेरे बेड पे अच्छे से सजाऊंगी। तो कैसा लग रहा है ये बेडशीट मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो ये बेडशीट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अभी भी स्टॉक में बहुत सारा है, लेकिन मैं चूज़ करके यही लेके आई क्योंकि ये मुझे बहुत मन कर रहा था इसको मैं थोड़ा सा अपने बेड में इस तरीके से रखूँ नए साल में। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दीपंकर ने अपने फ़ोन में गाना चला के रखा था, तो कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर किया। सोच रही हूँ
थोड़ा सा स्किन केयर कर लो। ये जो शीट मास्क है वो ये लगा लेती हूँ। वैसे भी इन दिनों स्किन ना मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है, तो ये शीट मास्क लगा लेती हूँ। ये ना शीट मास्क मास्किंग ब्रांड की तरफ से है, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक 250 के अंदर ना आपको 5 ये शीट मास्क मिल जाएगी, कॉम्बो पैक, बहुत सारे कॉम्बो पैक है इसकी। तो मैं इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग इसे अगर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड आप देख सकते हो इसके अंदर ना एकदम भर भर के सीरम दी गई है। तो चलो अब जल्दी से इसको अप्लाई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है इन दिनों मेरी स्किन। स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है, पॉमीग्रेनेट वाली है। तो इसको मैंने अच्छे से अपने फेस पे चिपका लिया है, अभी इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और यहाँ पर देखो मैंने शीट मास्क लगाया है, अभी दीपंकर को भी ये चाहिए। मतलब जब जब मैं कोई स्किन केयर करती हूँ ना, तब तब मैंने देखा है उसको ये चाहिए होता है। वैसे ऐसा नहीं करता है, लेकिन जब भी वो देखता है कि मैं कुछ कर रही हूँ तभी उसको ये चाहिए। और अगर ना दूँ ना, जब तक मैं नहीं देती हूँ तब तक मेरा सर खाने लगता है। मतलब ऐसे ऐसे इमोशनल डायलॉग्स देते हैं कि तुम तो अच्छे से अपना स्किन केयर कर रहे हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं करती, ये वो सब बोलता रहता है। तो लास्ट में मैं इरिटेट होके उसको भी दे ही देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं शीट मार्क्स अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा अपना मुँह भूत दो दो भूत है अभी हमारे घर पे, एक में और दीपक दो। अभी अभी एक पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से, तो आई थिंक ये जो मैंने दीपंकर ने जो दिया ना टी शर्ट, वो है शायद, वो मैं खोल के देखती हूँ क्या है। हाँ वो टी शर्ट ही है जो मैंने गेस किया था, वही आई है टी शर्ट। ये दो टी शर्ट मैंने ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से, एक सेकंड खोल के दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा ही आया है, मतलब मैंने थोड़ा सा बैगी साइज में ऑर्डर किया है घर पे ऐसे पहनने के लिए, जो पजामा मैंने ऑर्डर की थी ना उसके साथ पहनने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी अगर थोड़ा लूज पहनूँ तो। इस वजह से मैंने दो ऑर्डर किया है, 302 रुपीस में पड़ा था ये दोनों मुझे। एक है ये पिंक कलर का और एक है ये ब्लैक कलर का, दोनों का डिज़ाइन सेम ही है। एक बार खोल के दिखा देती हूँ। 302 रुपये में काफ़ी अच्छा क्वालिटी आई है दोनों की ही। तो इन दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगी। घर पे पहनने के लिए काफ़ी अच्छा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है ना, ट्यूशन वगैरह भी अगर आप जाते हो तो इस तरीके के टी शर्ट पहन के जा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। तो फाइनली ये तो आ गया, लेकिन जो मैं शाम को थोड़ा बाहर निकलूंगी घूमने, वो तो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, लेकिन जो शाम को पहनने वाली थी वही नहीं आया। तो अभी एक टिकट आया है, ये देखो बुक माई शो से ये आया है, तो ये बाद में बताऊंगी कि ये किस चीज़ का टिकट है, ये सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ नहीं, बाद में बताऊंगी, जब इसके ऊपर ब्लॉग बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो चलो अभी एक जगह किचन में जाके देखते हैं आज लंच में क्या बन रहा है, चल जाते हैं। मेरे की चिकन ना मटन, चिकन चिकन। गुड इवनिंग एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। दोपहर में लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रही थी, और अभी
हमारे घर के सामने ही, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगता है जाने में। वहाँ पर एक मेला बैठता है पहला वैशाख के दिन, तो वहाँ पर ही जा रहे हैं और छोटा मोटा सा बहुत सारे काम है वो भी कंप्लीट करके आ जाएंगे। तो मैं और दीपंकर अभी जा रहे हैं, एंड मैंने कोई नई ड्रेस अभी नहीं पहनी है, उसका रीज़न मैं बाद में आके बताऊँगी, इसके पीछे एक स्टोरी है, बाद में आके बताऊँगी। तो चलिए अभी जाते हैं। ये जो जूते उस दिन मैंने कॉलेज ट्रिप से आते वक्त ख़रीदा था वही है जो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया था। तो घर से निकल के हमारे घर से थोड़ी दूर पे एक मंदिर है, वहाँ पर हम दोनों सबसे पहले गए थे, शिव जी और हनुमान जी का, राम जी का ये मंदिर है। तो क्या हुआ कि कुछ दिन पहले हनुमान जयंती थी, उस दिन मैं मतलब मेरा मन था कि मैं मंदिर जाके हनुमान जी को पूजा वगैरह करूं, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, मैं घर से नहीं निकल पाई। और दीपंकर का भी उस दिन जिम था तो वो भी नहीं जा पाया। तो दीपंकर बोल रहा था कि छोड़ो कोई बात नहीं, नया साल जिस दिन होगा उस दिन हम दोनों जाके एक साथ हनुमान जी को पूजा करके आएंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले गए, पूजा दिया अच्छे से हमने, उसके बाद हम लोग चले गए वीवो स्टोर में, क्योंकि मुझे लेना था एक नया फ़ोन। क्या हुआ कि जिस फ़ोन से मैं व्लॉग वगैरह शूट करती थी ना, उस फ़ोन में अचानक से थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, अचानक से स्विच ऑफ हो जाता था और अपने आप ही स्विच ऑन हो जाता था। तो मुझे व्लॉग वगैरह शूट करने में, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी थी। और अभी जिस फ़ोन से मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ना, वो मेरी, जिस फ़ोन से मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह मेकअप चैनल के लिए शूट करती हूँ ना, उसी फ़ोन से मैं शूट कर रही थी। तो मुझे ये फ़ोन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो दीपंकर बोल रहे थे चलो आज इस शुभ मौके पे ले लेते हैं, शुभ दिन है तो शुभ काम कर लेते हैं। तो कौन सा फ़ोन मैंने लिया है वो घर जाके डिटेल में मैं सब आप लोगों को दिखाऊँगी। फर्स्ट टाइम, मतलब कोलकाता से ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन दीपंकर के साथ रिलेशन में आने के बाद फर्स्ट टाइम हम दोनों किसी मतलब मेला पे घूमने आए हैं। बहुत दिनों से मैं बोल रही थी कि कोई मेला घूमने चलो। पहले मेरी जो रूममेट थे उनके साथ जाती थी, लेकिन दीपंकर के साथ कभी नहीं गई, ये फर्स्ट टाइम होने वाला है, नहीं हो रहा है। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 11:30। मैं थोड़ी देर पहले घर पे आई थी, मेरा जो फोन है वो दिखाती हूँ। उस टाइम पे तो मैंने दिखाया ही एक बार, अभी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है, थोड़ी देर बात करूँगी। और यहाँ से फ़ोन की दुकान में से ये एक, आज तो पहला बैशाख है, बंगाली न्यू ईयर है, इस वजह से ये सोन पापड़ी भी मिली है मुझे। अच्छा, इसकी जो स्टोरी बताने वाली थी ना, एक मिनट में बताती हूँ। तो मैंने ना कुछ शॉपिंग की थी, न्यू ईयर के लिए भी शॉपिंग की थी, और वैसे भी मुझे कुछ जीन्स की ज़रूरत थी, तो ये वाली जीन्स मैंने ख़रीदी थी, ये एप्पल बॉटम जीन्स कहते हैं शायद इसे, तो ये वाली जीन्स मैंने ख़रीदी थी। मैंने अपने शॉर्ट ब्लॉग्स में भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मैंने पहना नहीं था, इसको मैंने रख दिया था, मैं न्यू ईयर में, मतलब बंगाली न्यू ईयर में अगर बाहर निकलूँगी तो पहनूँगी, तब इसलिए मैंने रख दिया था। तो ये है, और उसके साथ साथ पहले दिखा देती हूँ न्यू ईयर में मुझे क्या क्या मिला है, उसके बाद बताती हूँ, ठीक है। ये वाली जो नाइटी है ये मेरी सासू माँ ने मुझे दी है, ये देखो। तो आज तो सुबह जो पहनी थी वो मेरी मामी सास ने दी थी जब गई थी उनके घर, तो वो जो है नीचे से थोड़ा लेंथ में लंबा हो रहा था, तो मैंने नीचे से फोल्ड करवा लिया, इसी वजह से आज मैंने वही पहना था। इसको भी फोल्ड करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं आज नहीं पहन पाई, ठीक है। और ये दोनों टी शर्ट तो मैंने दिखाया था, दीपंकर ने दिया है, और एक और
एक और टॉप है हाँ सर रखा है। जाने से पहले ना मैं ऐसे करके गई थी, अभी कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा। ये वाली टॉप है, मैंने मीशो से परचेस किया है, तो ये मुझे किसी ने नहीं दिया है, ये मैंने खुद से खरीदा है मेरे लिए। ये क्या टैंक टॉप बोलते हैं इसको, तो ये वाली जो जीन्स है ना एप्पल क्या बोलते हैं एप्पल बॉटम वाली जीन्स, उसके साथ मैंने ये क्रॉप टॉप खरीदा था ताकि अच्छा सा एक कम्बिनेशन होगा दोनों के एक साथ केयर करूँगी तो और मेरी मम्मी ने मुझे दिया है, हाँ दीपंकर ने वो दो पजामा भी मुझे दिया था, वो मैंने अभी रख दिया है अंदर, तो कल तो मैंने दिखाया था कल के व्लॉग में, तो हाँ तो ये हो गया सब कुछ जो मिला सबके तरफ से। और मेरे मम्मी ने मुझे दिया है जो मीशो से मैंने ऑर्डर किया था, वो दो दिन पहले मुझे डिलीवर्ड हो गया था, लेकिन वो जो साइज़ है वो मुझे थोड़ा सा छोटा हो रहा था, मैंने स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया था लेकिन वो मीडियम मुझे लगेगा मीडियम, तो उसको मैंने एक्सचेंज करने दिया था, तो अभी तक वो दोनों नहीं आया है। तो मैं इतने दिनों से सोच, इतना सब कुछ मैंने खरीदा है लेकिन इतने दिनों से मैं सोच के रखी थी जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है मतलब जो मीशो से मैंने ऑर्डर किया है वही ड्रेस मैं पहनूंगी, एक टॉप और एक फुल मतलब गाउन टाइप का कुछ है वो मैंने खरीदा था, तो वो गाउन मैं पहन कर जाऊँगी शाम को घूमने न्यू ईयर के दिन, वो मैंने प्लान की थी। और ऐसा होता है मेरे साथ ना मतलब कहीं जाने से पहले मैं कुछ प्लान करके रखती हूँ कि मुझे यही आउटफिट पहनना है तो मैं यही आउटफिट पहनूंगी, अगर वो नहीं हुआ ना तो बाय चांस मतलब वो पहन नहीं पाई किसी भी रीज़न से तो मेरा मूड ही पूरा बिगड़ जाता है, तो मैं क्या पहनूँ ना पहनूँ, नई ड्रेस मेरे पास रहते हुए भी मेरा मन नहीं करता है पहनने को। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये बेल बटम जीन्स था एप्पल बटम जीन्स था टॉप था, और हाँ ये वाली कुर्ती ना जब मैं दिसंबर को घर गई थी तब मैंने खरीदी थी कुर्ती, हाँ अनारकली कुर्ती है ये, ये देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी मतलब घेर आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है, तो ये मैंने शायद स्मार्ट बाज़ार से शायद लिया था, अभी मुझे याद नहीं है, बीच में से इस तरीके से आपको एक डिज़ाइन मिल जाएगी, तो ये भी मैंने रख दिया था कहीं कोई ओकेशन आए तो तब पहनूंगी, तो आज मैं ये भी पहन सकती थी लेकिन मेरा मूड वहाँ पे अटका पड़ा है, मेरा मन कि मैं मुझे वही पहनना है वही पहनना है, तो वो नहीं आया, इस वजह से मैंने ये पुराना ड्रेस ही पहन लिया, मतलब ऐसा होता है मेरे साथ। तो यस गाइस आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया आई नो, बट क्या करूँ कभी कभी हो जाता है, देख लेना, एंड पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर देना, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, एंड प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। तो चलिए आप लोगों से मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में, और एक बार आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बंगाली न्यू ईयर।